नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को आखिरी विदाई देने के लिए शाहरुख खान अपने मैनेजर पूजा ददलानी के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे थे। उस दौरान एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें आप शाहरुख खान को उनकी मैनेजर के साथ देख सकते हैं। शाहरुख के हाथों में लता दीदी को समर्पित करने के लिए फूलों का हार है। वहीं वीडियो में शाहरुख फूलों का हार लिए और मुंह पर मास्क लगाए देखे जा सकते हैं। इस दौरान शाहरुख खान लता मंगेशकर की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ते हैं और फूंक मारते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिख दिया कि शाहरुख ने लता जी के पार्थिव शरीर के पास थूका है। वहीं उनके बचाव में उनके फैंस सामने आ चुके हैं। फैंस ने ये साफ कर दिया है कि इस्लामिक धर्म में जब भी पार्थिव शरीर के पास कोई दुआ पढ़ता है या दुआ मांगता है तो उस दौरान फूंक मारने की भी एक परंपरा रही है। उसे दम करना या दुआ फूंकना भी कहते हैं। फैंस का तो ये भी कहना है कि ऐसा केवल किंग ही कर सकता है। आपको बता दें कि शाहरुख खान और लता मंगेशकर जी का रिश्ता बहुत खास था। शाहरुख खान चाहते थे कि कभी उनके बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर उनके लिए भी गाना गाए, लेकिन मेल आर्टिस्ट होने के वजह से ये हो न सका। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिएगा। टिल देन वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।